जब आपके घर में आएंगे एनपीआर लेके, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम दे दो, हम लोग पांच नाम तय करते हैं, रंगा बिल्ला रख दो या कुंग फू कुत्ता रख दो, सेवन रेस कॉस रोड एड्रेस दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता शो और मैं हूं आपके साथ प्रतीक। दोस्तों, पूरे देश में CAA और NRC पर विरोध जारी है। कुछ जगह शांतिपूर्ण तो कुछ जगह हिंसा के साथ ये विरोध हो रहा है। अब इस देश का नागरिक होने के नाते मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जिन्होंने CAA और NRC के विरोध में ये हिंसात्मक प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने जो देश की संपत्ति का नुकसान किया है उनको अब इसका हिसाब देना होगा। कोई इनसे पूछे कि अगर ये भारत को अपना देश मानते थे तो इन्होंने अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाया? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई इनको बताए कि देश को संवारने में सालों साल लग जाते हैं पर बिगाड़ने में बस कुछ चंद ही सेकंड। जो बस इन प्रदर्शनकारियों ने जलाई है वो एक बस कम से कम 70 से 80 लाख की थी। मतलब अगर सरकार कोई फैसला ले रही है और अगर आपको वो गलत लगता है तो आप उसे क्रिटिसाइज़ करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, पर ऐसे तोड़फोड़ करना, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त के बाहर है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने नुकसान में जो हिंसा हुई है उसकी कीमत बताई है। ये कीमत करीब 14,86,500 रुपये है। ये तो बस उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, बाकी देश में जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। कौन भरपाई करेगा इस नुकसान की? इन प्रदर्शनकारियों को कोई बताए कि ये पैसा हमारा ही था जो हम टैक्स के रूप में भरते हैं। कल अगर आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी होगी तो आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री इन प्रदर्शनकारियों को क्या कहा। प्रधानमंत्री का कहना था कि ये प्रदर्शनकारी एक बार खुद से पूछें कि क्या उनका ये हिंसा और आगजनी का रास्ता सही था। अब हम पूछते हैं कि क्या हमारा अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को बिल्कुल भूल गए हैं? क्या ये संपत्ति हमारे ही काम नहीं आने वाली थी? और अब आते हैं विपक्ष पर। शर्मानी चाहिए ऐसे नेताओं को जिन्होंने देश की जनता को बरगलाया, गलत अफवाहें फैलाई, लोगों में भ्रम फैलाया। ये अगर देश के बारे में सोचते तो इस प्रकार लोगों में गलत तरह से CAA और NRC के खिलाफ गलत भ्रांतियां ना फैलाते। इन्हीं अफवाहों का ही नतीजा है कि लोगों ने बिना सही से समझे इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रदर्शन में बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्हें CAA का मतलब तक नहीं पता था। इस प्रदर्शन में 12 साल के बच्चे पाए गए थे। भला इन बच्चों को क्या पता होगा CAA और NRC के बारे में? इस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने लोगों को भड़काया और इस हिंसा को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी दिया। मतलब पढ़े लिखे लोग भी ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिनमें शामिल है अरुंधति रॉय जो एक मशहूर लेखिका व सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब आपके घर में आएंगे एनपीआर लेके, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम दे दो, हम लोग पांच नाम तय करते हैं, रंगा बिल्ला रख दो या कुंग फू कुत्ता रख दो, सेवन रेस कॉस रोड एड्रेस दे दो और एक फोन नंबर तय कर लेते हैं हम। इनका कहना है कि अगर सरकार आपके पास आए तो उन्हें गलत नाम बता देना, कोई भी 4 या 5 नाम सोच लें आप। ये बयान इन मोहतरमा ने इस बात पर दिया है जब सरकार आपसे NPR यानी राष्ट्रीय जनसंख्या के सर्वे के समय आपके घर आए तो। कैसे बुद्धिजीवी हैं ये लोग जो देश की जनगणना जैसे ज़रूरी सर्वे में झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। कुछ तो मीडिया के लोग जैसे रविश कुमार भी पीछे नहीं है लोगों को उकसाने में। खैर, सरकार अब रैलियां भी कर रही हैं, अखबारों में इश्तिहार भी दे रही हैं ताकि इस बिल को लेकर कोई भ्रांतियां ना फैलें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी हो, ये देश हमारा है, किसी और का नहीं। क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है इस देश को चलाना, हम आम नागरिकों की नहीं? इस बात पर ज़रूर गौर करें। हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। शुक्रिया।